बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस को। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था सिंपल सेंटेंस और इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लासेस होती थी वो अक्सर रैंक में एक दूसरे के बराबर होती थी और उनको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए मिलाया जाता था। यहाँ हम कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में असल कुछ इस तरह होता है कि एक दो क्लासेस आ जाते हैं और एक क्लास जो है उसमें एक मेन क्लास होगी और दूसरी सबॉर्डिनेट क्लास होगी। तो सबॉर्डिनेट क्लास किस तरह होती है, दोनों क्लासेस को अगर हम सोचें तो सबॉर्डिनेट क्लास जो है वो कुछ ऐसी क्लास नहीं है कि ये छोटा सा एक जुमला होता है या इसमें कुछ अल्फाज कम होते हैं या इसमें कुछ मीनिंग कम होती, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कुछ ऐसे मतलब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जुमले के, यानी उस क्लास के बिल्कुल इब्तिदा में, जो उस सारे सेंटेंस को मतलब वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि मतलब वो क्लास जो है वो कन्फ्यूजन की तरफ जाती है कि अगर पहला जो मेन क्लास अगर हम हटा लें तो वो दूसरा सेंटेंस जो है वो अपनी मानी बाजी नहीं कर पाएगी। मसलन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक मेन क्लास की जरूरत होती है और एक सबॉर्डिनेट क्लास की। ज़रूरी नहीं है कि मेन क्लास पहले हो और सबॉर्डिनेट क्लास बाद में हो। सबॉर्डिनेट क्लास पहले आ सकती है, मेन क्लास बाद में आ सकती है, इस तरह कोई ये कोई रिटन बात नहीं है। मसलन आप यहाँ देखें, दे रेस्ट, उन्होंने आराम किया, रेस्ट किया, व्हेन द इवनिंग केम। कोई आम मतलब स्टूडेंट जो है वो इस बात पर हैरान होगा कि व्हेन द इवनिंग केम, ये तो चार अल्फाज हो गए और ये दो, किस तरह ये हो सकता है कि ये सबॉर्डिनेट क्लास है और ये मेन क्लास है। भाई सबॉर्डिनेट क्लास का मतलब ये है कि ये सारा कन्फ्यूजन व्हेन पे लाता है, यानी व्हेन जो है इस सारे सेंटेंस के हेड पर आ जाती है और इसकी पोजीशन को मतलब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दे। व्हेन द इवनिंग केम, अगर कोई आपके सामने कहे जब शाम हुई, फिर कहे जब शाम हुई, जब शाम हुई, आप उसे तीसरी दफा कहें यार जब शाम हुई तो क्या मतलब। व्हेन, यानी व्हेन जो है इस सारे सेंटेंस को मतलब इस पर क्वेश्चन मार्क डालती है कि क्या हुआ जब शाम हुई। तो जब ये दो अल्फाज है लेकिन यहाँ पर इस कंटेक्स्ट को क्लियर करने के लिए फुल मीनिंग है, रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, यानी उन्होंने आराम किया जब शाम हुई। यानी ये सेंटेंस अगर हम हटा ले तो दिस सेंटेंस जस्ट कैन नॉट स्टे ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो ये जुमला जो है, ये क्लास जो है, ये अकेले नहीं रह सकता और अपनी मानी नहीं अदा कर सकता इसके बगैर। इसी तरह और हम और भी मिसालें ले लेते हैं। ये जो व्हेन इस्तेमाल होता है, मैंने स्टार इस्तेमाल किया है, डेट इस्तेमाल होता है, वेयर इस्तेमाल होता है, डेट, इफ, अनलेस, बिकॉज, ये अल्फाज मिलकर जो इसके बाद मतलब क्लास आ जाते हैं वो मुख्तलिफ मतलब वो मुख्तलिफ क्लास इसमें चले जाते हैं। कोई बन जाता है नाउन क्लास, कोई बन जाता है एडवर्ब और क्लास ऑफ टाइम, कोई एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस में चली जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन अल्फाज की वजह से मुख्तलिफ क्लासेस बन जाते हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, ही सेज, उन्होंने कहा, दैट ही वोंट गो, कि वो नहीं जाएगा। आप देखें ही सेज, ही एक फुल मीनिंग अदा करता है और आप इसके बारे में सोचे दैट ही वोंट गो, कि वो हो नहीं जाएगा, कि वो हो, भाई क्या, कौन सी क़यामत आ गई कि वो नहीं जाएगा। यानी देर जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है, एक कंफ्यूजन पैदा करती है कि वो हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें ही सेज, वो कहता है कि वो नहीं जाएगा, तो फिर उसकी मीनिंग इस ही सेज की वजह से क्लियर हो जाती है। और ये ही सेज ये एक सेंटेंस है और ये नाउन क्लास है और नाउन क्लास बतौर ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, तो ये एक नाउन क्लास है और डेट की वजह से ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जो बाकी जो मतलब नाउन क्लास आ जाता है ऑब्जेक्ट की,
वो कमी पूरा कर लेती है तो ये नाउन क्लास हो गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गई, यानी इस वर्ब के बाद जो आती है वो नाउन क्लास है। इसी तरह व्हाट ही सेड, उसने जो कहा वाज ट्रू, अब ये भी नाउन क्लास है, लेकिन इस सारे क्लास ने, इस सारे सेंटेंस ने एक सब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो घेर रखी है, तो ये भी नाउन क्लास है लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गई है, ये भी एक मतलब एक नाउन क्लास है लेकिन ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गई है। इस डेट और इस वर्ड की के जरिए ये जो सेंटेंस सबॉर्डिनेट बन गए हैं ये मुख्तलिफ क्लासेस में चली गई, और वो नाउन क्लास ऑब्जेक्ट और नाउन क्लास सब्जेक्ट की पोजीशन लेती। इसी तरह एक और सेंटेंस हम लेते हैं, आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट, आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगा व्हेन आई थिंक फिट, जब मैं सोचूंगा कि ये सही है या मतलब मुझे जो ठीक लगे। एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम ये हो गई, क्योंकि ये विन जो है ये टाइम को शो करती है कि कौन सा वक्त, आई विल डू इट मैं इसे करूंगा, यानी इसमें ऑब्जेक्ट खुद है विन आई थिंक फिट, यानी विन की जगह जब ये जो क्लास आ गई ये एडवर्ब क्लास में चलेगी, और एडवर्ब क्लास कौन सी क्लास, यानी एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, यानी टाइम को ये मतलब दिखाती है। तो अच्छा ये तो एक सबॉर्डिनेट क्लास इस विन की वजह से बन गई और ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। इसी तरह दे कैन स्टे, वो रह सकते हैं वेयर दे आर, जहां पर वो हैं। यहां पर आप देखें वेयर जो है ये प्लेस की तरफ इशारा करती है, तो मतलब इस सेंटेंस को एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस बनाया, और ये जो सबॉर्डिनेट क्लास है ये वेयर की वजह से। अगर इस सेंटेंस पर सोचें दे कैन स्टे, वो स्टे कर सकते हैं वेयर दे आर, जहां पर वो हैं। इस सेंटेंस को हटा देने से हम ये कहेंगे वेयर दे आर, जहां पर वो हैं, वेयर दे आर, मतलब ये सेंटेंस कंफ्यूजन फैलाती है कि वेयर दे आर, जहां पर वो है क्या मतलब, दे कैन स्टे, वो स्टे कर सकते हैं, मतलब ये मेन सेंटेंस जब तक ये कंटेक्स्ट क्लियर नहीं करती ये अकेले अपनी मानी नहीं दे सकती, तो वो क्या है सबॉर्डिनेट क्लास वो बना लेती है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब जो है कि एक मेन इसमें सेंटेंस क्लास होगी और इसमें एक क्लास जो है वो सबॉर्डिनेट क्लास होगी। इसी तरह हम बात करेंगे, यानी अपनी बात को आगे ले जाएंगे, दे कैन स्टे वेयर दे आर, इसके बाद वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहे, हम मतलब जिंदगी के लिए खाने की जरूरत होती है, वी ईट, हम इसलिए खाते हैं दैट, यानी दैट जो है इस सब बाकी जुमले को सबॉर्डिनेट कर बना देती है, और ये जुमला जो है ये जो क्लॉज है इसको क्या, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बना दी, यानी पर्पस क्या है खाने, यानी जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं वी ईट। आप यहां पर सोचें अगर वी ईट को हम हटा दें तो ये सेंटेंस जो है ये अपनी मानी पूरी नहीं करेगी, दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहे, ताकि हम जिंदा रहे क्या मतलब, जब तक ये कंटेक्स्ट उसके साथ क्लियर ना हो वी ईट। बास लोग का मतलब है कि सबॉर्डिनेट क्लास का मतलब ये है कि वो छोटा सा हो, छोटा और बड़ी की कोई बात नहीं है, ये जो सबॉर्डिनेशन का जो ये लफ्ज आ जाता है उस सारे सेंटेंस को सबॉर्डिनेट बना लेती है। अब ये बात इंशाल्लाह ताला आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, वी शैल स्टे एट होम। अच्छा अब जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि जरूरी नहीं कि सबॉर्डिनेट क्लास बाद में आ जाए, ये पहले भी आ सकती है। यहां पर आप देखें इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, इफ की वजह से ये सारा सेंटेंस जो है ये सबॉर्डिनेट बन गया, मतलब अब अगर आप किसी जगह अगर बारिश हुई तो मतलब ये तो क्वेश्चन मार्क हो गई कि अगर बारिश हुई तो क्या, तो क्या का मतलब मेन सेंटेंस में है वी शैल स्टे एट होम, हम घर में रहेंगे। इसी तरह अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम सख्त काम नहीं करते यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम सख्त काम नहीं करते, अच्छा एक बार कहने से दो बार, जब तक तुम सख्त काम नहीं करते, भाई क्या मतलब है जब तक तुम सख्त काम नहीं करते, यू विल फेल, मतलब ये छोटा सा जो क्लास है
ये सारे कंटेक्स्ट को क्लियर बना देती है, यानी ये अंतिस जो है इसने इस सारे सेंटेंस को, इतने बड़े सेंटेंस को इसने क्या किया था, सबॉर्डिनेट बनाया था। इसी तरह ये एडवर्ब क्लॉज इफ आवर अनलेस ने एडवर्ब क्लॉज इज अ कंडीशन बनाई, कंडीशन यानी जिसमें शर्त होती है, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा होगा, इसको कंडीशन सेंटेंस कहते हैं। कंडीशन सेंटेंसेस जो है इस पर हम एक खूबसूरत क्लास रखेंगे और इसके जो अक्साम है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे एक और सेंटेंस को, बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं। तो ये बिकॉज जो है इस सारे सेंटेंस को एम्बिगुअस बना देती है, यानी एम्बिगुइटी आ जाती है। क्यों क्यों मतलब क्या मतलब, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, यानी जब बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं, इस सेंटेंस के साथ अगर ये ना हो आई शैल हेल्प यू, यानी ये मेन सेंटेंस है, क्योंकि इसके ये जो है ये सारे कंटेक्स्ट को क्लियर कर देती है इसकी, यानी ये सेंटेंस जो है इसकी कंटेक्स्ट को ये सेंटेंस यानी ये क्लॉज क्लियर कर देती है। अवर ई सबॉर्डिनेट अवर उसका मेन क्लॉज है। अच्छा तो ये कौन सी सेंटेंस बन गई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गई। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में यानी बिकॉज किस्म के अल्फाज मिल आ जाते हैं और एक क्लॉज को रीजन यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बना देते हैं। इसी तरह एक और हम सेंटेंस लेंगे, men will reap as they sow, तो आप भी जो है लोगों को वही खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो वो करते हैं, यानी जो जो बंदा करेगा वही बरेगा, मतलब जो करेगा उसका वही सिला बंदे को मिलेगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट या मैनर, यानी जिस मैनर से जिस तरीके से काम किया जाए उसी का उसी तरह मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका नतीजा एक आदमी को मिलेगा। मेन विल रीप एज दे सो, एज की वजह से ये सारा सेंटेंस जो है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज बन गई, और ये सबॉर्डिनेट क्लॉज किस तरह, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर और एक्सटेंट जो है वो यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर या एक्सटेंट बन गई और ये सबॉर्डिनेट क्लॉज बन, इसका मेन सेंटेंस है मेन विल रीप। अच्छा दोबारा मैं ये अदा करता हूं, कंप्लेक्स सेंटेंस के लिए कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होती है, इसमें एक मेन क्लास होती है एक सबॉर्डिनेट क्लास होती है, दोनों क्लासेस तकरीबन बराबर होती है। अगर इसमें ये व्हेन वेयर व्हाट वगैरह के अल्फाज ना हो तो ये जुमले बिल्कुल एक ही रहेंगे, लेकिन ये व्हेन दैट व्हाट इफ वगैरह इस बाकी सेंटेंस को जो इनके बाद जो सेंटेंस आ जाती है उसको सबॉर्डिनेट बना देती है। तो इसकी वजह से ये सेंटेंस सबॉर्डिनेट बन जाती है और ये दूसरा जो है जिसके साथ ये विन व्हाट वगैरह नहीं होता वो मेन क्लास हो जाती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, इंशाल्लाह ताला अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको, यानी एडवर्ब क्लासेस जो है वो तकरीबन 8 किस्म के हैं, तो उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमें अपने राय से बाखबर रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा इंशाल्लाह।